नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करें आज का वीडियो। आज मैं लेकर आई हूँ ये पौधा। ये मनी प्लांट की ही एक वैरायटी है, मुझे इसका ठीक से नाम नहीं पता है। आप लोगों को अगर नाम पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बाकी ये है मनी प्लांट की एक वैरायटी। ये देखिए, ये एक मेरे हाथ में है। तो चले बात करें। ये देखिए, मैंने ये बॉटल काट के लगाई थी। बिगिनर्स के लिए बहुत 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 अच्छा पौधा है, ज़रूर लगाइए। तो चलें बात करें इसके बारे में। तो देखिए, इसके लिए मैंने ली थी नॉर्मल सॉइल, गार्डन सॉइल। उसमें थोड़ी सी बजरी मिला ली थी, थोड़ा सा कॉम्पोस्ट मिला लिया था, और बस इसके अलावा मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया था। और देखिए, इतनी छोटी सी बॉटल में लगाया इसको, उसमें भी लग गया। बहुत ईजिली लग जाता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी जो भी गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें गार्डन का शौक है बट ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, उनको ये ज़रूर लगाना चाहिए। इसको मैंने बड़े गमले में भी लगाया था। एक सेकेंड, ये देखिए, ये बड़े गमले में देखा। इसी तरह से देखिए, इसमें मिट्टी तो बहुत सिंपल सी चाहिए, और सनलाइट भी देखिए, वो तो मेरा इतनी डायरेक्ट सनलाइट में चल रहा है और बहुत आराम से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको मैंने इनडायरेक्ट सनलाइट में जो रखा है वो भी बहुत आराम से चल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको हर टाइप की सनलाइट में चल जाता है, हर टाइप की लाइट्स में चल जाता है। एंड तीसरी चीज़ है पानी देने की। तो ये देखिए, ये काफ़ी इसके अंदर पानी ऑलरेडी होता है। तो जैसे हम मिट्टी चेक करते हैं उंगली डाल के, जब हमारी 1 से 1.5 इंच तक उंगली बिल्कुल सूखी हो, मतलब तब इसको पानी की ज़रूरत है। मैं तो अल्टरनेट डेज़ में और कभी कभी 2-2 दिन के गैप में भी डालती हूँ। ये बहुत अच्छा चल रहा है, और कहीं भी इसको लगा लीजिए, बहुत ईजिली लगता है। और मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर लगाइए, छोटी से छोटी चीज़ में भी लग जाता है। देखिए, ये प्लांटर मैंने खुद बनाया था, मैं आपको इसका भी वीडियो बाद में भेज दूँगी। ये देखिए, ये छोटा सा बॉटल मैंने कट किया था और उसमें लगा लिया था, कितने आराम से लग गया है। और तीसरी चीज़, खाद की बिल्कुल इसे कोई खाद की ज़रूरत नहीं है। आप देना चाहते हैं इसको, आप दे दीजिए साल में 2 बार जो हम नॉर्मली देते हैं, लेकिन इसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये नॉर्मल सी मिट्टी में बहुत अच्छा लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है, आपका गार्डन इससे बहुत सुंदर लगेगा। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ हर किसी को ये पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। और रही बात इसकी प्रोपोगेशन की, तो इतना ईजी है, ये जस्ट ये यूँ तोड़ लीजिए और इसमें से जो दूध गिरेगा उसको थोड़ा सा सूखने दीजिए, फिर नॉर्मली जाके इवन आप डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा देंगे तो ये लग जाएगा। बिल्कुल भी इसमें कोई भी प्रोपोगेशन में इसके झंझट नहीं है, बहुत ईजिली लगता है। प्लीज़ इस पौधे को ज़रूर लगाइए, मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी। मैं आपको आगे भी चल के दिखाऊँगी कि मैंने इसको कितनी छोटी छोटी, मतलब मेरे पास कुछ भी खाली होता है, एक कोई भी चीज़, ये देखिए ना, इतनी छोटी सी बॉटल में मैंने लगा लिया था। मैं इस पौधे को ज़रूर लगाती हूँ, कोई भी चीज़ मुझे मिलती है मैं उसमें उस पौधे को लगा देती हूँ। तो इसे ज़रूर लगाइए, और मेरा चैनल अगर पसंद आया, आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।